ये मशवरा मैंने इमरान खान साहब को पहले भी दिया था और मैं दोबारा ये मशवरा ही दे सकता हूँ कि वो सियासी और मजहबी शख्सियात को उलमा को अपने साथ रखें आने वाले दिनों में, क्योंकि जब ये तालिबान के साथ बातचीत शुरू होगी तो इनकी काबीना के जो लोग हैं इनमें तकसीरियत तो वो है जो बारे शख्सियात को माशाल्लाह जो इनका माजी रहा है, ये तो जिन जमातों से होकर आए हैं तो उन जमातों में तो ये गालियां देते हुए आए हैं अल्लाह रसूल का नाम लेने वालों को, हकीकत उन गालियां देते हुए हैं, तो इनका क्या ताल्लुक है? तालिबान आके पता चला कि वो आए और उनसे मिलने के लिए हुकूमती शख्सियात ही नहीं है, तो मुनासिब उलमा को अगर वो अपनी कैबिनेट में किसी भी सूरत में वो शामिल करें या अल्लाह रसूल का नाम लेने वाली शख्सियात को, तो अच्छा लगेगा कि वो इमरान खान साहब के साथ बैठ के बात करें। आगे मदारिस की सलाह इस्लाहात मदारिस की जो है, देखिए ना कल मौलाना सदुररहमान के साहब के साथ मदारिस थे और दूसरे जो मदारिस हैं जो बरेली मकतब फिक्र के हैं वो मदारिस भी इमरान खान साहब के, उनके जो उलमा हैं वो भी उनके खिलाफ हैं, जो बची कुछ कसर होती है वो चांद निकाल देते हैं। हम महकमा मौसम याद कह रही है 13 तारीख को ईद होगी, वो कह रहे हैं 12 को ईद होगी, एक वजीर जो है वो ये मुहर्रम के अंदर क्या मसला, मतलब एक एक जो है ना खला में जाएंगे लोग 2022 में, मतलब कोई पार्क बनेगा बायोटेक्निकल पार्क, पता नहीं क्या बनेगा पाकिस्तान में। बहरहाल अब हालात ऐसे संजीदा है मुल्क के कि उसमें ये जो मजहबी हमारे लोग हैं इनको ऑन बोर्ड लेना जरूरी है। उसकी वजह ये है कि देखें फिरका वाराना फसादात मुल्क में नहीं हुए, ये ऑन बोर्ड रहे, ये उलमा ऑन बोर्ड रहे, जो उलमा है मैं सियासी उलमा से आप हट भी जाए तो भी बाकी उलमा से तो रब्ता करें ना, तकी उस्मानी साहब, रफी उस्मानी साहब, तारिक जमीन साहब, बाकी शख्सियात उनकी बड़ी जरूरत है इस वक्त और उनको मतलब किसी तरह साथ ना, गांधी साहब हो गए, इसरार अहमद साहब का हल्का हो गया, बाकी और बेशुमार शख्सियात हैं।